के सामने उपस्थित सभी मीडिया के साथी, प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, आज बड़े दूसरे पार्टी के लिए दुख का विषय है कि आज जिस तरह कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को झारखंड में, उड़ीसा में देखने को मिला, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और गिनते गिनते आईटी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी थक गए और अभी तक जारी है। कांग्रेस पार्टी का परिचय का मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार है। आप सोचिए कि जिस राज्य में सहयोगी के तौर पर हो और वहां पर 300 करोड़ से अधिक कैश राशि उपलब्ध हो और वो भी कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से। हम तो इंडी गठबंधन के लोगों से जानना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के प्रतीक लालू प्रसाद जी बिहार में स्थापित है, भ्रष्टाचार के प्रतीक हेमंत सोरेन झारखंड में है, भ्रष्टाचार के प्रतीक डीएमके के प्रमुख स्टालिन है और पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में, जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने इस देश को खोखला किया है, लूटने का काम किया है, इसको पूरा देश देखने का काम कर रहा है। और आप देखिए साथियों, ये कोई नया मामला नहीं है। पहले बेंगलोर में कांग्रेस पार्टी के एक रिश्तेदार के यहां 42 करोड़ रुपया कैश मिला। उसी तरह ममता दीदी के एक मंत्री के यहां, कल ममता दीदी बिहार आने वाली है, ममता दीदी के सहयोगी मंत्री पार्थ चटर्जी के यहां 50 करोड़ से अधिक कैश प्राप्त हुए। सत्येंद्र जैन के यहां करोड़ रुपया मिले और आप पार्टी के सांसद संजय सिंह जी शराब माफियाओं से मिले हुए हैं, इसकी पुष्टि ईडी ने किया। नहीं, राष्ट्र ये सरकारी कार्यक्रम है और अभी कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम उनका नहीं है। ये किसको डराया? एक नाम लीजिए, एक नाम बताइए। आप ही, आप पत्रकार साथी हैं, डेरा साहू जी के यहां तो मात्र 310 करोड़ प्राप्त हुए, आप ही क्या रिपोर्ट है? देखिए, लालू प्रसाद जी के खिलाफ यदि डराने का काम किसी ने किया वो जनता दल यूनाइटेड है। चारा घोटाला में अभियुक्त बनाया जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने। शरद यादव जी चले गए, उन लोगों ने आवेदन किया था, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आवेदन किया था, शिवानंद तिवारी जी को तो जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने सजा करा दिया। अभी चार दिन पहले जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने सजा करवा दिया और राजद चू नहीं कर पाई। यही है राजद। राजद सिर्फ लालू जी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तभी वो समझता है कि कार्रवाई हुई। लालू जी को भी फंसाने वाला कोई दूसरा नहीं है। 1996 में पहली बार सीबीआई बिहार आया और तब कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में थी और एफआईआर दर्ज कराने वाले कोई और नहीं थे, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और जब लालू प्रसाद जी पे दोबारा जांच शुरू हुआ वो भी जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने कराया। यदि किसी पे प्रेशर कोई बनाता है तो
तो वो जनता दल यूनाइटेड के लोग बनाते हैं। हम तो एक प्रमाण मांग रहे हैं आप लोगों से कि यदि कोई ऐसा प्रमाण है तो दीजिए। धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि इस देश में मोदी की गारंटी वाला गाड़ी घूम रहा है। पूरे देश में मोदी जी गारंटी देते हैं विकास का, मोदी जी गारंटी देते हैं गरीबों के कल्याण का, और मोदी जी गारंटी देते हैं भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का। इसलिए आगे भी बिहार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार के साथ लड़ने के लिए पूर्ण रूप से समर्थन देती है। और साथ ही साथ बिहार की 13 करोड़ की जनता भी नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करती है कि आप गरीब कल्याण का काम तो कर ही रहे, साथ साथ जो गरीबों को लूटने वाला है उसको भी जेल भेजने का काम कर रहे। इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हो रही है, चाहे उनके नेता हो। देश में श्रीमती गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सभी लोग भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर घूम रहे हैं। पूरा कांग्रेस पार्टी इस देश में अब प्रतीक हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का सहयोग करने वाले लोग हैं। और पूरा इंडी गठबंधन इसलिए बचे, ये लोग का गठबंधन इसी के लिए हुआ है। ये लोग जो सब एक जगह मिलते हैं उसका कारण भी एक ही है कि सब भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का साफ संदेश है, इस देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार लड़ते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वो राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय स्तर की बैठक होती है और क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री को उसमें आना है। चारों लोग आएंगे और अपनी बात रखेंगे। बिहार की सरकार जो बाहर में मुद्दों को रखती है उचित फोरम पर रखना चाहिए। फर्क क्या पड़ने वाला है? बिहार के किसी कोने में भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और झारखंड और उत्तर प्रदेश में करेंगे तो फर्क क्या पड़ने वाला है? ये अब कहीं चले जाए, नीतीश कुमार जी का मतलब है महिला विरोधी, दलित विरोधी और भ्रष्टाचार को समर्थन देने वाले लोग नीतीश कुमार माने जा रहे हैं। बिहार में यदि भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कोई कर रहे हैं उसका नाम है नीतीश कुमार। और बिहार में 3 चीजों से भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया। इन तीनों को जमीन दोष करने के लिए संघर्ष करेगी और इन सारे माफियाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ेगी। कार्यालय आने की संभावना है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने कपूरी ठाकुर जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया और नीतीश जी को भी कंधे पर बैठाया। नीतीश जी कभी किसी को कंधे पर बैठाए उसका नाम बता दीजिए उनका। नीतीश जी को 6 विधायक थे मात्र और 41 विधायक हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का। कंधे पर बैठाकर भाजपा जिसको समर्थन करती है अंधा प्यार करती है, लेकिन वो भुला गए कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह और नड्डा जी की आज देश में पार्टी चलने वाली पार्टी है। अब दुश्मनी भी करेंगे तो ठीक से करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।